हेलो गाइस एंड वेलकम टू बीबोर्ड। मैं अजय पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेके। और आज के इस वीडियो में हम 8 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और हमारे फ्री स्टडी मटेरियल या जॉब अपडेट के लिए आप अपना नाम हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमारी ऐप बीबोर्ड को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अवर फर्स्ट न्यूज इज चांगवान साउथ कोरिया में चल रहे ISSF या इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस डबल ट्रैप में हमारे अंकुर मित्तल ने गोल्ड मेडल जीता है। और तो व्हाट इज मेंस डबल ट्रैप? तो गाइस मेंस डबल ट्रैप में क्ले डिस्क को हाई स्पीड में हवा में उछाला जाता है और पार्टिसिपेंट को उस डिस्क को शॉर्ट गन से शूट करके तोड़ना पड़ता है। और इस इवेंट में इंडिया के अंकुर मित्तल ने गोल्ड मेडल जीता है। अंकुर ने चाइना के पार्टिसिपेंट यी यांग यांग को 4-3 से हराकर यह मेडल जीता है। और गाइज ISSF की वर्ल्ड चैंपियनशिप 31 अगस्त 2018 को शुरू हुई है और 14 सितंबर 2018 तक चलेगी। और अब तक इस कॉम्पिटिशन के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 7 दिनों में इंडिया ने कुल 20 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रॉकेट हैज बीन लॉन्च्ड टू टेस्ट पैरासूट फॉर मार्स लैंडर। तो गाइज नासा अपने अगले मिशन मार्स रोवर को 2020 में लॉन्च करेगा और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पैराशूट की टेस्टिंग के लिए नासा ने एक साउंड रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट को वर्जीनिया की वल्ब्स फ्लाइट फैसिलिटी से लॉन्च किया गया था। और मैं आप सबको बता दूं कि साउंडिंग रॉकेट एक रिसर्च रॉकेट होता है या इंस्ट्रूमेंट कैरिंग रॉकेट होता है, जिसको कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इस रॉकेट को नासा ने अपने एडवांस सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए फ्राइडे को लॉन्च किया था, जो कि सफलतापूर्वक वापस आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर। एंड अवर नेक्स्ट न्यूज इज गाइज की MDL टू डिलीवर सेकेंड सबमरीन बाई ईयर एंड। तो गाइज ऐसी उम्मीद है कि साल के अंत तक मेजागॉन डॉक लिमिटेड या MDL अपनी दूसरी स्कॉर्पिन सबमरीन जिसका नाम खंडेरी है वो नेवी को डिलीवर करेगा। और इसका नाम खंडेरी गाइज छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट आइलैंड के ऊपर रखा गया है। तो नेवी और MDL के बीच हुई डील के अकॉर्डिंग MDL को फ्रांस के एक नेवल ग्रुप के साथ 6 स्कॉर्पिन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाना है। और जो पहली सबमरीन थी वो MDL ने सितंबर 2017 को डिलीवर की थी, जिसका नाम था कलवेरी। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर। ग्लोबल सैनिटेशन कन्वेंशन ऑन महात्मा गांधी बर्थडे या महात्मा गांधी के जन्मदिन पर वैश्विक स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन या केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक ग्लोबल सैनिटेशन कन्वेंशन या वैश्विक स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन करेगा। और इसे महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह एवं स्वच्छ भारत अभियान, जिसे कि 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, जिसको ऑब्जेक्टिव था 2 अक्टूबर 2019 तक ओपन डेफिकेशन को पूरे देश से ख़त्म करना, तो उसकी चौथी सालगिरह के अवसर पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4 दिनों के लिए लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। सेकेंड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इन शिकागो या दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन शिकागो में होगा। तो गाइज 1893 के वर्ल्ड रिलीजन के पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक स्पीच की 125वीं सालगिरह के अवसर पर दूसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन होगा, जिसको कि हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि 7 से 9 सितंबर तक USA की 2 डेज विजिट में हैं, वो इस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। और ऐसी उम्मीद है कि मिस्टर नायडू 14 तेलुगु एसोसिएशन द्वारा US में आयोजित एक प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या IRDA विल टेस्ट गाइडलाइंस फॉर सैंडबॉक्स मेथड या IRDA सैंडबॉक्स मेथड की गाइडलाइंस का परीक्षण करेगा। तो सैंडबॉक्स मेथड क्या है? तो गाइस सैंडबॉक्स मेथड वो है जो इंश्योरर्स को ऐसे प्रोडक्ट या पॉलिसीज जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई है, तो उन पॉलिसीज या प्रोडक्ट को कुछ पॉलिसी होल्डर के बीच में टेस्ट करने की अनुमति देता है। और कुछ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट का ऐसा मानना है कि ये मेथड जो है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। एंड हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इज चाइना अलाउज नेपाल टू डायरेक्ट ट्रांजिट या चाइना ने नेपाल को प्रत्यक्ष पारगमन की अनुमति दी है। तो गाइस चाइना ने फ्राइडे को नेपाल को इंटरनेशनल कॉमर्स आयोजित करने के लिए भारत पर भूमिगत देश की निर्भरता को कम करने के लिए
तीसरे देश के व्यापार के लिए अपने 4 बंदरगाहों और 3 भूमि बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। और नई व्यवस्था के अनुसार चीनी अधिकारी तिब्बत में जी गेट से और उसके लिए नेपाल से जुड़े कार्गो को नौकायान करने वाले ट्रक और कंटेनरों पर स्वीकृति प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज नेवीज ऑफ इंडिया एंड लंका बिगिन ज्वाइंट एक्सरसाइज, या इंडिया और लंका की नेवीज ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू की है। तो 3 भारतीय नौसेना के जहाज SLI NEX 2018 के 6th एडिशन के लिए ट्रिंकोमाली पहुंचे और भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो 7 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। और इस अभ्यास का उद्घाटन समारोह श्रीलंका की नेवी के SLNS सुरोरा बोर्ड पर आयोजित किया जाएगा। और अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास की SLINEX श्रृंखला 2005 में शुरू की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज़ की सरला पुरस्कार फॉर पोएट शत्रुघ्न पांडव, कवि शत्रुघ्न पांडव को सरला पुरस्कार दिया गया। तो गाइस उड़ीसा के कवि शत्रुघ्न पांडे को उनके कविता संग्रह मिश्रा ध्रुपद के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और वार्षिक सरला पुरस्कार को सबसे प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और सरला पुरस्कार 1979 में प्रतिष्ठित उड़िया उद्योगपति स्वर्गीय डॉक्टर बंसीधर पांडा और स्वर्गीय ईला पांडा द्वारा स्थापित और इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। एंड वन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कि पाकिस्तान सेट टू अलाउ वीज़ा लेस एंट्री, या पाकिस्तान ने वीज़ा रहित प्रवेश की अनुमति दे दी है। तो पाकिस्तान करतपुर साहिब की ओर बढ़ने वाले तीर्थयात्रियों को वीज़ा रहित प्रवेश की अनुमति देने के लिए तैयार हो गया है। और करतपुर गुरुद्वारा भारतीय सीमा के पास पंजाब प्रांत के नरोवल जिले में स्थित है और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की मृत्यु वहीं हुई थी। इस विश्वास के कारण सिखों द्वारा इसे सम्मानित किया जाता है। और वहीं वीजा रहित प्रवेश द्वारा गुरुद्वारा जाने के लिए एक गलियारा भी बनाया जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। एंड इफ़ यू वांट एनी चेंजेस विद इन द वीडियो देन प्लीज़ डू कमेंट। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। टिल देन गाइज थैंक यू एंड टेक केयर।